नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह, एमवीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माझे हक माझे लड़ा के अंतर्गत भूमि पुत्रों का आज से शुरू हुआ मोर्चा, जो कि आगे भी चलेगा, जिसमें माननीय विधायक मंदा मात्री भी थी मौजूद। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार मिला अमित शाह को। बैंकों से लिमिट निकालना हुआ खत्म, अब पहले जैसी व्यवस्था। राज्यों में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने के आसार। नवी मुंबई महानगर पालिका ने पानी बचाने का किया प्रयास, जो कि अब पर्याप्त मात्रा में है उपलब्ध। बढ़ते तापमान में मिट्टी के घरों की बिक्री बढ़ी। आगरीकोली यूथ फाउंडेशन के तहत भूमि पुत्रों का शुरू हुआ आंदोलन। इस आंदोलन को सफल बनाने में काफी संख्या में लोग थे उपस्थित। अनेक मांगों के साथ उनके सहभागी बने माननीय विधायक मंदा मात्रे। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी मांग को रखा। मंगलवार को बेलापुर में अर्बन हाट के पास काफी भीड़ देखने को मिली। जी हाँ, ये भीड़ थी भूमि पुत्रों की, जो कि सिडको की कार्रवाई के खिलाफ एवं कुछ जगह आरक्षण न देना उसके खिलाफ था। अग्रिकोल यूथ फाउंडेशन के अंतर्गत यह धरना और आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत नियमित जमीन एवं गांव में घर को तोड़फोड़ करने का सिडको का विरोध, स्कूलों के एडमिशन में प्रवेश दिलाना, ऐसे कई मांगों के साथ वो धरने पर थे। प्रकल्पग्रस्त लोगों ने भी इस अनेक मांगों के साथ इसमें शामिल हुए। इस पूरे चक्र में विधायक मंदा मात्रे ने भी दर्शन दिया। भूमि पुत्रों ने अपने पक्ष को एकजुट करते हुए ये धरने को सफल बनाया, जहां उन्होंने अपनी मांग पूरा न होने पर आगे भी इस धरने को जारी रखने को बताया। इसी दरमियान विधायक मंदा मात्रे ने अपने और सहभागियों के साथ कोंकण आयुक्त के पास गए और अपनी बात रखी। हालांकि आज कोंकण आयुक्त नहीं आए तो उनकी जगह आयुक्त अभंग ने बात स्वीकारी एवं उन्होंने कहा कि उपायुक्त के आने पर इस मोर्चे के बारे में अवगत करा दिया जाएगा, जिसके बाद मीटिंग करके इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। इस पर विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि 80% काम उनकी सरकार ने किया, बाकी कुछ कानूनी अड़चने आई है जिसको मीटिंग के बाद पूरा कर लिया जाएगा। असं आहे की माननीय मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण प्रकल्पग्रस्तांच्या बरोबर आहे। प्रकल्पग्रस्तांचे गरजीपोटीचा प्रश्न ज्यावेळी मी सभागृहात मांडला होता, त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं 2015 पर्यंतची घरं आम्ही कायम करू आणि तो संपूर्ण मसुदा बनवून, आता आपल्याला माहिती आहे की न्यायालयाने एक आदेश काढलेला की कुठलंही घरं अनधिकृत असतील ते अधिकृत करताना न्यायामध्ये तो मसुदा द्यावा लागतो। ही 20,000 घरं जी अनधिकृत होती ती अधिकृत करण्याचा मसुदा न्याय प्रविष्ट आहे आणि न्याय प्रविष्ट असल्यामुळे परवाच्या दिवशी 9 तारखेला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग घेऊन स्वतः सांगितलं की भूमिपुत्रांची घरं आम्ही कायमस्वरूपी केल्याशिवाय राहणार नाही। आत्तापर्यंत जे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी 2007 ची घरं कायमस्वरूपी करू असं सांगितलं, पण कधी सभागृहात निवेदन नाही केलं किंवा लेखी नाही। परवा 9 तारखेला मला लेखी दिलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे जितके पण प्रश्न होते प्रकल्पग्रस्तांचे, मग विद्यावेतन असेल, 350 मुलांना काढलेलं असेल, प्रकल्पग्रस्तांचे 2.5 पैसे असेल, जेवढेही प्रश्न तेवढे या सरकारने सोडवलेले आहे। अजिबात नाही, आता कायदे बदलत, विलासराव देशमुख ज्यावेळी होती त्यावेळी मी सुद्धा सभागृहात होती, मी सुद्धा माझ्याच लक्षवेधीवरती उल्हासनगर कायम झालेला आहे, वसंतराव डावकर यांनी आदेश दिलेले आहेत त्यावेळी सभापती असताना, माझ्या स्वतःच्या लक्षवेधीवर उल्हासनगर झालं होतं। पण आता मी आपल्याला सांगू शकते हायकोर्टाने आदेश दिलेत की कुठलंही बांधकाम जर अधिकृत करायचं असेल तर ते पहिला कोर्टात तुम्हाला दाखवावं लागेल आणि उल्हासनगरचं केलं म्हणूनच हा आज प्रॉब्लेम निर्माण झालेला आहे। पण तरी पण हायकोर्टामध्ये संपूर्ण मसुदा सरकारने दिलेला आहे, नाही प्रविष्ट आहे, या लोकांनी न्यायालयात झालं पाहिजे। तरी पण मी सरकारच्या वतीने सांगते, मी स्वतः एक प्रकल्पग्रस्त आहे, येणारा लवकरात लवकर या भूमिपुत्रांची घरं आम्ही नावी करून दिल्याशिवाय राहणार नाही। काँग्रेसची भूमिका दुपट्टी आहे, कारण 15 वर्ष त्यांनी काही केलं नाही। या प्रकल्पग्रस्तांच्या 2004 ला माझी लक्षवेधी आहे, 2004 ची की प्रकल्पग्रस्तांची घरं नावी करा, का केली नाही? प्रत्येक नगर विकास मंत्र्यांनी मला आश्वासनं दिली, मी त्या आश्वासनाची नेहमीच पूर्तता करण्यापासून मी 2010 पर्यंत ही लक्षवेधी मांडली आणि आता या सरकारने हे काम 80% रेकॉर्डवर आणलेलं आहे आणि रेकॉर्डवर आणल्यानंतर याचं राजकारण करण्याचं काम काही लोक करत आहेत। पण मी सरकारच्या वतीने सांगते आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने की हे काम आमच्या कारकिर्दीत झाल्याशिवाय राहणार नाही। मला 2 वर्ष झाले आहेत
मला 5 वर्ष 3 वर्ष बाकी आहेत, मला थोडा वेळ तर द्या. 15 वर्ष ज्यांनी कधी भूमिपुत्रांसाठी काही केलं नाही ते आज मोर्चात येतात, याचं मला दुःख वाटतंय. मोर्चे में आए भूमिपुत्रों ने अपनी बात स्पष्ट रूप में अवगत कराते हुए अपनी पूरी मांग रखी. कैमरामैन प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV. प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने का अवसर दिया गया, जो कि उनके अधिकारों में आता है. हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को जोरदार बहुमत मिला, तो वहीं बाकी जगहों पर सरकार बनाने का काम जारी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत सोच विचार कर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री के पद के लिए काफी चेहरे हैं, पर इस पर चिंतन एवं मंथन का काम जारी है. एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने की कवायद जारी है. ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV. 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद लोगों को ATM या बैंक से पैसे निकालने में काफी दिक्कतें हुई. सरकार ने इस 3 महीने के अंतर्गत काफी नियम बदलकर लिमिटेशन को बढ़ाया. 13 मार्च के बाद अब हालात समान हो गए हैं. अब आप पहले जैसे निकासी और जमा करा सकते हैं, जो कि अब लिमिट नहीं है. साल 2016 के 8 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु 500 और 1000 के नोटों की चलन पर रोक लगा दी थी. उसके जगह पर नए 500 एवं 1000 के जगह पर 2000 के नोट लाए थे, जिसके बाद जमा करना एवं बैंकों से पैसा निकालना लिमिट के अनुसार कर दिया गया था. सबसे पहले 2000, फिर 4000, फिर 10000, फिर 20000 और अब 13 मार्च के बाद पहले जैसा, जो कि बैंकों के नियमानुसार अब आप निकाल सकते हैं. अब देश भर में सामान्य हालत है, लोग अब अपने अनुसार जमा कर सकते हैं एवं निकासी कर सकते हैं, जिस पर अब कोई भी लिमिट नहीं है. ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV. महाराष्ट्र में कई जगहों पर बढ़ी तापमान तो कई जगहों पर हुई बारिश. बारिश से लोगों को थोड़ी राहत तो हुई, पर तापमान को बढ़ते देखकर गर्मी का अनुमान लगाया जा सकता है. मौसम विभाग ने 2 से 3 डिग्री बढ़ने के दिए हैं संकेत. गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण लोगों को बहुत ही परेशानी होती है. महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर तापमान बढ़ने के आसार हैं. यह 2 से 3 डिग्री तक हो सकता है. हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत हुई है, पर कुछ इलाकों में तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी और भी बढ़ सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV. पानी की कमी के कारण लोग काफी परेशान होते हैं. पिछले साल नवी मुंबई महानगर पालिका ने पानी देने में 20% की कटौती की थी. इस साल अच्छी बारिश होने के बाद पालिका ने पानी की बचत की एवं सुविधा देने की बात कही. नवी मुंबई महानगर पालिका ने पिछले साल पानी की कमी के कारण 20% पानी की कटौती की थी. पिछले बारिश में नवी मुंबई महानगर पालिका ने पानी को सुरक्षित कर अपने क्षेत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी बचाया है, जिससे इस बार लोगों की परेशानी थोड़ी कम की जाएगी. जगह जगह पानी की लीकेज होने के कारण 19% पानी की बर्बादी होती थी, जो कि महानगर पालिका के अच्छे प्रयास से इसको कम कर 12% तक लाया गया. पिछले साल लोगों को पानी के कारण बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जो कि इस बार कम होने के चांसेस हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV. तापमान में वृद्धि के बाद लोग हुए सजग. मिट्टी के घरों की बिक्री बढ़ी, तो वहीं पानी को ठंडा एवं मीठा रखने में घड़ा करता है मदद. घड़े की कीमतों में भी 20 से 50 रुपए की हुई है वृद्धि. हर एक साल में मौसम बदलता रहता है, इसी के साथ लोग उसमें एडजस्ट हो जाते हैं. खास करके गर्मियों के मौसम में लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है. लोग पानी पीने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, खास करके धूप में आए तब. ऐसे में गर्मी में पानी पीना मुश्किल होता है, तो लोग अपने सुविधा अनुसार कोई फ्रिज या घड़ा का व्यवस्था रखता है. ऐसा कहा जाता है कि घरों का पानी शुद्ध एवं मीठापन लाता है, जिसको पीने में काफी आनंद आता है. इसी के साथ इसका रेट भी बढ़ता रहता है. 100 रुपए वाला 120 में तो 200 वाला अब 250 में बिक रहा है. घरों के बारे में ज्यादा जानकारी रखने वाले दुकानदार भाइयों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. आता सध्या बिल्डिंग ही झाल्यामुळे मातीच आम्हाला इथं उपलब्ध नाही होत, तर आम्ही ही सगळी माती बाहेरून आणून विकत आणून इथं मडके वगैरे बनवतो. साधारण आता 5 ते 10% मडक्यांची किमती वाढलेल्या आहेत. मीडियम साईजचा मडका जो 100 रुपयाला भेटायचा त्याची 120 रुपये किंमत झालेली आहे, आणि जो तेजवून मोठा 200 रुपयाला भेटायचा तो आम्ही 250 रुपयाला आता विकतो इथं. त्यासाठी एक आवा म्हणून असतो, जमिनीत खड्डा करून ते करायला लागतो, आणि त्यासाठी पेंडा तूस वगैरे तेही आम्हाला बाहेरून आणून माती तर उपलब्धच नाही ना. आम्ही उलव्यावरून माती आणतो, उलवा चिरणे या साईडने आम्हाला माती आणावी लागते. कुछ भी हो, लोग गर्मी में घरों की पानी की ओर आकर्षित होते हैं एवं अपनी प्यास बुझाते हैं, जो कि काफी आरामदायक होता है. कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV. आज के समाचार में बस इतना ही. तब तक के लिए नमस्कार. आप देखते रहिए MVTV न्यूज़.